Hello students, myself Ranjita Chaudhary, and today our topic is some common salt are present in our daily life. Okay, in this series we have studied in previous video sodium chloride, sodium hydroxide, caustic soda and baking soda. In this series today we will study about the topic bleaching powder. Bleaching powder, that means the powder which have tendency to decolorize the things. Okay, किस चीजों का color बनाने की tendency जिसमें होती है उस powder को हम कहते हैं bleaching powder. Bleaching powder is the common name and the bleaching powder have the chemical formula CaOCl2 whose chemical name is calcium oxychloride, right? And this compound is also known as lime of chloride. Why? Because it formed by the reaction of calcium hydroxide with slaked lime. It formed by the reaction of calcium hydroxide, which is also known as slaked lime. With the reaction of chlorine gas, it gives CaOCl2 with H2O. Right? So it is also known as क्लोराइड्स ऑफ लाइम, क्योंकि लाइम्स की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराती जो कंपाउंड हम बना रहे हैं उसे क्लोराइड्स ऑफ लाइम हम बोल सकते हैं, राइट? इट इज अ प्रिपरेशन. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव आल्सो ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रिपरेशन. प्रिपरेशन जब आप किसी कंपाउंड को लैब में बना रहे हैं एंड मैन्युफैक्चरिंग जब आप उसको बड़े स्केल पर बना रहे हैं इंडस्ट्रीज में बना रहे हैं. ओके, सो इट इज द प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मीन्स ब्लीचिंग पाउडर. नाउ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज अ येलोइश वाइट सॉलिड. इट इज सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बिकॉज इट गिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक जिसमें हीट निकलती है. ओके, तो ये टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युबल होगा. अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर या गर्म पानी में डिजॉल्व करेंगे तो ये डिजॉल्व नहीं होगा. रीजन इज बिकॉज इट हैज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जब आप हीट कम करेंगे तब ये सॉल्युबल होगा. ओके, ब्लीचिंग पाउडर येलोइश कलर का होता है, सॉल्युबल होता है. हमेशा इसमें क्लोरीन की स्मेल आती है बिकॉज Cl2 इज प्रेजेंट इन अ गैस इन दिस कंपाउंड ऑल्सो. यहाँ तो है ही, कंपाउंड के अंदर भी गैस की स्मेल आती रहती है. ठीक है, और यहाँ पर हम यहाँ पर शो करेंगे रिएक्शन. व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज एक्सपोज्ड इन द एयर. ओके, एयर एज यू नो एयर इज द कंपोजिशन ऑफ वेरियस गैसेस. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 एंड सॉरी जितनी भी गैसेस हैं. इन नाइट्रोजन इज अ नॉन रिएक्टिव गैस, ऑक्सीजन उसमें पहले से ही प्रेजेंट है. आप नाम बता रहे हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, पहले से ही ऑक्सीजन का कंपाउंड है तो ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करेगी, CO2 रिएक्शन करती है. तो क्वेश्चन अगर आता है व्हाट हैपन व्हेन इट रिएक्ट विद एयर, तो एयर के साथ रिएक्शन जब आप बता रहे हैं तो आप हर केस में कार्बन डाइऑक्साइड को ही रखेंगे. रीजन मैंने बता दिया कि CO2 से जो रिएक्शन कर रहा है. नाउ ये टॉपिक ऐसे भी हो सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन CaOCl2 रिएक्ट विद CO2, ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन वी एक्सपोज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विद एयर. ओके, तो ये एयर वाली CO2 की हम बात कर रहे हैं. व्हेन इट रिएक्ट विद इट, इट गिव्स CaCO3 विद द एवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस, राइट? नाउ कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड CaOCl2. इसी चैप्टर में हमने डाइल्यूट एसिड की बात आपको बताई है. डाइल्यूट एसिड के साथ में जब भी रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट फॉर्म करेगा, वाटर फॉर्म करेगा और Cl2 फॉर्म करता है. और इस Cl2 को जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करने से मिल रही है इसको हम अवेलेबल क्लोरीन भी बोलते हैं. अवेलेबल क्लोरीन क्वेश्चन आया हुआ है ये कि व्हाट डू यू मीन बाय अवेलेबल क्लोरीन. सो यू हैव टू गिव द आंसर इन दिस वे दैट व्हेन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड इट गिव्स सॉल्ट वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस एंड दिस क्लोरीन गैस व्हिच गेट ब
by this reaction or evolved by this reaction is known as available chlorine. Okay, now the example of the dilute acid हमने पहले भी आपको बताया है इसी यूनिट में स्टार्टिंग में मैंने बताया था dilute acid are those acids which have higher amount of water और जिसमें एसिड की अमाउंट होती है वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है जिनमें वाटर की अमाउंट ज्यादा होती है वो डाइल्यूट एसिड है मीन्स यहाँ पे हम कम डेंसिटी वाले एसिड की बात कर रहे हैं राइट द एग्जांपल ऑफ दिस रिएक्शन इज CaOCl2 बिकॉज इट इज अ कॉमन रिएक्शन नॉट अ पार्टिकुलर रिएक्शन एंड नॉट एन एग्जाम्पल एग्जाम्पल इज दिस व्हेन इट रिएक्ट विद HCl डाइल्यूट HCl के साथ में अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर Ca2 फॉर्म हो जाएगा और प्लस में H2O फॉर्म हो जाएगा HCl फॉर्म हो जाएगा यहां पर Cl2 गैस इवॉल्व हो जाएगी राइट CaCl2 प्लस Cl2 प्लस में H2O ओके एंड दिस Cl2 गैस इज नॉन एज अवेलेबल क्लोरीन और जब भी आप रिएक्शन कराएंगे रिएक्शन का फॉर्मेट यही जाना है ओके रिएक्शन को आप बैलेंस कर रहे हैं आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन मास के मैजर बी क्रिएटेड बाय डेस्ट्रॉयर दैट मींस द मास ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट मतलब एटम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होनी चाहिए एटम ऑफ प्रोडक्ट की इसलिए आप मास को यहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज CaCl2 व्हेन रिएक्ट विद H2SO4 इट गिव्स CaSO4 with H2O with the evolution of Cl2 gas and this Cl2 gas is known as available chlorine. Right? Now our next topic is in which purpose the bleaching powder is used. Bleaching powder मैंने आपको starting में बताया था video कि bleaching powder is also known as decolorizing powder means it has tendency to decolorize the things. And what is the factor कि ये decolorize कर देता है चीजों को इसमें एक टेंडेंसी होती है देखिए CaOCl2 जब भी इसको हम एक्सपोज कर रहे हैं तो ये CaCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है ये निसेंट ऑक्सीजन होती है निसेंट हम उस एटम को बोलते हैं जो अपनी एटॉमिक फॉर्म में रखा होता है आप हर जगह देखेंगे रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एटम प्रेजेंट नहीं होते बिकॉज एटम आर हाईली रिएक्टिव एंड दे हैव टेंडेंसी टू कंबाइन विद अदर एटम्स तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल यूज करते हैं जब भी हम एटम को शो करेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में शो करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे शो कर रहा है द हाईली रिएक्टिव नेचर ऑफ द एटम इसीलिए हम इसको कह रहे हैं नेसेंट ऑक्सीजन मीन्स न्यू फॉर्म या न्यू बर्थ ऑक्सीजन ओके ये ऑक्सीजन है जो डीकलराइज कर देती है जितनी भी एटम्स होती है सपोज हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है तो ये अगर एटॉमिक फॉर्म में रखी है वो किसी भी मॉलिक्यूल से किसी भी कंपाउंड से आ रही है दे हैव टेंडेंसी टू डीकलराइज द थिंग्स ओके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वो जो फाइबर है फाइबर को डीकलराइज करने में यूज होता है ओके टेक्सटाइल कंपनी में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है वुड पल्प जैसे आप पेपर बना रहे हैं तो पेपर को डीकलराइज करने में यूज होता है लैब में यूज होता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैल्शियम के कंपाउंड फॉर्मेशन में यूज होता है फेशियल और ब्लीचिंग में भी यूज होता है जो फेस मतलब स्किन टोन को वाइट करने के लिए मीन्स स्किन को डीकलराइज करने के लिए और ये बल्कि मुझे ऐसे कहना चाहिए कि जो हेयर्स को डीकलराइज करता है ये स्किन को डीकलराइज नहीं करता वो हेयर्स का ही रिफ्लेक्शन होकर लगता है कि स्किन डीकलराइज होती है ओके नाउ योर टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड इट विल बी द लास्ट कंपाउंड ऑफ द टॉपिक इसी के साथ वीडियो खत्म हो रही है आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा ओके बाय